बिहार के समस्तीपुर में बसा एक छोटा सा गांव पूसा, इसके नाम से दिल्ली के राजेंद्र नगर में पूसा रोड मौजूद है। इसे बिहार राज्य के जिला समस्तीपुर के गांव पूसा के नाम पर रखा गया और इसी गांव में 1905 में बने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज को भी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, जो आज दिल्ली में मौजूद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। बिहार में आए 15 जनवरी 1934 में 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने संस्थान की इमारत को मलबे में तब्दील करके रख दिया। भूकंप इतना दर्दनाक था कि जिसकी कहानी सुनकर रूह भी कांप उठे, जिसे हम जल्दी अपने चैनल आई विटनेस वर्ल्ड पर दिखाने वाले हैं। 15 जनवरी 1934 के इस भूकंप ने संस्थान की इमारत को मलबे में तब्दील करके रख दिया था, जिसके बाद उसी साल राज्य सचिव ने जुलाई 1934 में इसे स्थानांतरण को मंजूरी दी। संघ विधानसभा की स्थायी वित्त समिति ने अंततः 25 अगस्त 1934 को शिमला में निर्णय की घोषणा की। 3.8 मिलियन यानी कि $53,000 की अनुमानित लागत पर संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव किया गया जिसे अब नई दिल्ली में पूसा कहा जाता है। देश में बार बार होने वाली भोजन की कमी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत के पहले कृषि अनुसंधान संस्थान कॉलेज पूसा की स्थापना की गई थी। पूसा संस्थान की नींव 1 अप्रैल 1905 में बिहार के समस्तीपुर जिले स्थित पूसा गांव में रखी गई थी। 1 अप्रैल 1905 को लॉर्ड कर्जन ने कृषि अनुसंधान संस्थान और कॉलेज की आधारशिला रखी। उत्तरी बिहार के पूसा में इसे स्थापित करने के एक मुख्य कारण नील के बगानों से निकटता थी, जिन्हें फिर से जिंदा करने की जरूरत थी। फिप्स ने उनके साथ £30,000 का दान दिया, जिसका उपयोग संस्थान की स्थापना के लिए किया गया था। 1 अप्रैल 1905 को कृषि अनुसंधान संस्थान कॉलेज की आधारशिला रखी। संस्थान को मूल रूप से कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर 1911 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान और 1919 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया, यानी कि इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1899 में एलिना में जर्मन सब्सक्रिप्शन के बाद संस्थान में प्रतिनियुक्ति होने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक 1892 में अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन वेल्टर लेदर थे। बिहार में कृषि अनुसंधान को समस्तीपुर के पूसा गांव में एक ऐसी जगह पर रखा गया जो भारत के बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित बेनी रेलवे स्टेशन, जो अब खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, से 10 किलोमीटर उत्तर में समस्तीपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर पश्चिम में, दरभंगा से 46 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर पूर्व में पूसा गांव में इसकी नींव रखी गई थी। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के लगभग 60% भौगोलिक क्षेत्र और 70% जनसंख्या को समर्पित है। बी विश्वनाथ उस समय निदेशक थे और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले भारतीय निदेशक भी बने। नई दिल्ली में नए परिसर का उद्घाटन 29 जुलाई 1936 को हुआ, जबकि इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नए भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 7 नवंबर 1936 को किया था। स्वतंत्रता के बाद संस्थान का नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कॉलेज कर दिया गया। 1950 में संस्थान के शिमला स्थित सब स्टेशन ने पूसा 718, 737, 745 और 760 सहित गेहूं की उन्नत किस्मों को विकसित किया। 1558 में संस्थान को 1556 के UGC अधिनियम के तहत डीमेड यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता मिली और तब से इसे कृषि के क्षेत्र में MSc और PhD की डिग्री प्रदान की जाती है। बिहार में 1934 के भूकंप के बाद पूसा संस्थान के मूल स्थान पर 3 दिसंबर साल 1970 तक जो कुछ बचा हुआ था उसे एक कृषि अनुसंधान केंद्र में बदल कर रख दिया गया। बिहार सरकार ने यहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और राष्ट्रीय स्तर पर इसे कई पुरस्कार विश्वविद्यालय को मिलने का प्रमाण भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय साल 2020 के लिए इंडिया टुडे MDR यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 10वें और साल 2021 में सरकारी विश्वविद्यालय में 9वें स्थान पर है। द नेशनल रिव्यू सर्वेक्षण में विश्वविद्यालय को उत्तर भारत के संस्थान में 10वें स्थान पर दिया गया और 30 से अधिक वर्षों से मौजूद विश्वविद्यालयों की श्रेणी में साल 2021 के लिए FICCI उच्च शिक्षा एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने एक्सीलेंस हरित परिसर पहल की और श्रेणी में एक्सीलेंस के लिए विश्वविद्यालय को मान्यता दी और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा का परिसर 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और कॉलेज के 20 मंडल दिल्ली में 5 मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर, 8 मल्टी रीजनल स्टेशन, 2 ऑफ सीजन नर्सरी, 3 अखिल भारतीय सम्मानित रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, जिनका मुख्यालय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च में है, और 10 नेशनल सेंटर फॉर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत है। इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मियों की सहित कुल कर्मचारियों की संख्या 3,540 है।
तो ये थी पूसा संस्थान की कहानी, जो बिहार के समस्तीपुर के पूसा से लिया गया है, जो भारत की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में पूसा रोड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम भारत का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च कॉलेज भी कह सकते हैं। मिलते हैं एक और नए विषय के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आई विटनेस वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सकें। नमस्कार।